और चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की खबरों की। देहरादून से सबसे पहले बड़ी खबर, जहां पर 8 से 9 दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज राजधानी दिल्ली में कर्टेन रेजर जारी कर दिया गया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कर्टेन रेजर जारी कर दिया है। सीएम धामी ने अपने कई विभागों की पॉलिसियों को आगे रखकर इन्वेस्टर्स को उत्तराखंड में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। और इस दौरान सीएम धामी ने 3 निजी कंपनियों से करीब 7,000 करोड़ के एमओयू साइन किए। आईटीसी के साथ 4,500 करोड़, ई कुबेर के साथ 1,600 करोड़ और महिंद्रा हॉलीडे के साथ 1,000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ। कर्टन रेजर के अवसर पर 7,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं और बड़ा लोगों के अंदर उत्साह भी है और आकर्षण भी है उत्तराखंड में निवेश करने के लिए। और हमने अच्छी तैयारी भी की हुई है कि निवेशक आए तो उनको किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े, आसानी से उनका निवेश धरातल पर उतरे। उसके लिए जहां 6,000 एकड़ का लैंड बैंक हमने बनाया है, कई प्रकार की जो नीतियाँ हैं उन्हें भी हमने प्रख्यापित किया है। 30 से अधिक नीतियाँ हम लाए हैं, सिंगल विंडो सिस्टम को हम मजबूत कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ताबड़तोड़ बैठकें जारी हैं। देहरादून और हल्द्वानी के बाद तीसरा सम्मेलन अल्मोड़ा में किया, इसमें पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत जिले के जिलाध्यक्ष और महामंत्री भी शामिल हुए। सम्मेलन में सभी बीजेपी विधायकों को पहुंचना था लेकिन ज्यादातर विधायक नहीं पहुंच सके। सम्मेलन से कार्यकर्ताओं में लोकसभा चुनाव के लिए जोश भरा गया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जो बूथ पिछले चुनाव में कमजोर रह गए थे उन्हें मजबूत किया जा रहा है। जो छोटी इकाई है मंडल, उसके महामंत्री से ऊपर के कार्यकर्ताओं की पूरी लोकसभा की बैठक है और इस बैठक में जो कमजोर पोलिंग बूथ है, जो पिछले विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव में किन कारण सब जीत नहीं पाए, उन बूथों पर 50+1 मतदान से हम उन पोलिंग बूथों को विजय की ओर बढ़े। हमारे आज अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र का मंडल अध्यक्ष, महामंत्री और जिलाध्यक्ष, जिला महामंत्री और हमारे प्रभारी और सभी विधायकों के संबंधित आज की ये बैठक की गई है लोकसभा की। और इसमें हमारे संगठन के 5 जिलों के, यानी कि अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, संगठन की दृष्टि से हमारा रानीखेत जिला भी हमने बनाया है। और अब बात खटीमा की, जहां पर 2 टेलरों पर आवासीय स्कूल में स्कूल ड्रेस की नाप लेने के बहाने बच्चियों से छेड़खानी का आरोप लगा है, जिससे नाराज होकर बच्चियों ने परिजनों से शिकायत की और परिजनों ने दोनों आरोपियों की चप्पलों से पिटाई कर दी। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि 22 अगस्त और 6 सितंबर को बच्चियों की ड्रेस का नाप लेते वक्त ड्रेस सप्लायर टेलर शकील और उमर स्कूल पहुंचे थे। इस दौरान आरोपियों से बच्चियों की छेड़खानी की घटना को अंजाम देने की बात सामने आई और उसके बाद अब उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग उठ रही है ताकि ऐसी घटना फिर न हो। आपके होते हुए भी उन टेलरों के द्वारा उन छात्राओं के साथ में बहुत ही ज्यादा अभद्र अश्लील हरकतें की गई, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे तहरीर देने के लिए आए की है। जो वहाँ पे उपस्थित स्टाफ था उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाए एवं उनके साथ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। कही गई है कि स्कूल में जो है बच्चों के साथ टेलरों द्वारा आरोप लगाया गया कि जो दर्जी यहाँ पर यूनिफॉर्म की नाप लेने के लिए यहाँ पर आए थे उनके द्वारा उनके साथ बदतमीजी की गई और ये करीब 22 अगस्त और 6 सितंबर का मामला जो दिन ये आए थे वहाँ पर। तो इसमें जब शिकायत प्राप्त हुई तो हम यहाँ पर पुलिस टीम के साथ मौके पर गए और वहाँ पर जाँच की हमने हमारे द्वारा, तो सारे छात्राओं के बयान भी पुलिस द्वारा दर्ज किए गए हैं और तथा अभिभावकों द्वारा एक तहरीर भी दी गई है थाने। नैनीताल में बीडी पांडे जिला अस्पताल में अतिक्रमण पर कार्रवाई शुरू हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार को अतिक्रमणकारियों ने खुद ही अपना घर खाली करना शुरू कर दिया है, तो कई अतिक्रमणकारी अपना अतिक्रमण खुद ही हटा रहे हैं। आज जिला अस्पताल की सरकारी जमीन पर बसे लोगों ने अपना सामान हटाया और घर खाली करने के दौरान कई लोग भावुक भी हो गए। अतिक्रमणकारी इस जमीन को खुद का बता रहे थे और इस जमीन की रजिस्ट्री खुद के नाम होने का दावा कर रहे थे।
हालांकि हाईकोर्ट ने इसे इनकार कर दिया था। वहीं अब प्रशासन पहले चरण में लोगों को गलकारी करने में मदद कर रहा है, जिसके बाद 16 से बलपूर्वक अतिक्रमण हटाया जाएगा। जो भी प्रशासन द्वारा कार्रवाई चली करी जा रही है उचित की जाए, जिसमें मतलब हर एक पे ही ध्यान दिया जाए। जो सही है, जो खाली करने हैं वो तो है ही है। हम तो एक अपील और भी लगाई थी कि हम जब भी कोई निर्माण कार्य होगा इसमें प्रेशर द्वारा तो हम रिक्त कर देंगे, उसमें भी हमारे कोई गौर नहीं की। पूरक हम लोग जो हटाएंगे, अगर 15 तारीख की रात तक अगर कोई व्यक्ति अपना इन्फोर्समेंट खुद नहीं हटाएगा तो 16 तारीख के प्रातः से फिर हम लोग खुद ही इसको हटाना शुरू करेंगे, और फिर उसमें जो भी जितना भी हमने मार्किंग की है उसके हिसाब से उसको हम लोग खुद ही हटाएंगे, और उसका जो फिर वसूली होगी, पैसों की वसूली भी उनसे वसूल की जाएगी। चक्राता के कनासर रेंज के करीब 1000 पेड़ों को अवैध रूप से काटने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वन विभाग की लचर पैरवी और कार्यप्रणाली के चलते आरोपी जेल जाने से पहले ही जमानत पर छूट गया। मामले में 17 आरोपियों की वन विभाग ने सूची भी जारी की थी, जिसमें से एक आरोपी को सेन सिंह को गिरफ्तार किया गया और चक्राता कोर्ट में पेश किया गया। देहरादून में चक्राता में 1000 से ज्यादा पेड़ काटे गए, लेकिन 17 नामजद आरोपियों में से सिर्फ एक ही गिरफ्तार किया जा सका। वन विभाग का हाल यह था कि गिरफ्तारी होते ही तुरंत जमानत भी मिल गई। तो क्या है इसके अंदर की कहानी, आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। हिमाचल बॉर्डर से लगे उत्तराखंड के चक्राता, टोंस और मोरी क्षेत्रों में सालों से टिम्बर माफिया सक्रिय रहा है और इसमें मिली भगत रही है विभागीय कर्मचारियों की। पहली बार चक्राता में 1000 और टोंस डिवीजन में 100 से ज्यादा पेड़ों का अवैध रूप से कटान का मामला सामने आया। जांच बैठी तो इसमें वन विभाग, वन निगम के अधिकारी कर्मचारी की मिली भगत का खुलासा हुआ। नतीजा पहली बार 24 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गए। प्रदेश के वन मंत्री खुद ये बात कह रहे हैं कि ये पूरा मामला पिछले 1.5 दशकों से चला आ रहा है। राज्य में ये करीबन पिछले 15 सालों से खेल चला और उसको जब हमारे संज्ञान में आया तो जिसमें लगातार हमारे लोग इस पर लगा रखे थे, आपने देखा है कि पहली बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 200 अधिकारियों को निलंबित करने का काम किया गया, और इसके अलावा जांच चली है। मुझे लगता है कई लोग इसमें भी जेल जाएंगे। वन विभाग के कई सीनियर अधिकारियों पर भी शक की सुई घूम रही है। मामले की गंभीरता को देख अब फॉरेस्ट चीफ ने चीफ गढ़वाल की अध्यक्षता में 11 अफसरों की जांच टीम गठित की है। जांच ठीक से हुई तो कई अफसरों का नपना तय माना जा रहा है। कर्मचारी रेंज अधिकारी जो निलंबित हुए थे उनकी चार्जशीट इत्यादि बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, ताकि जो भी उचित उसमें निर्णय लेके और एक मतलब जो दोषी कर्मचारी हैं इसमें विभाग के, उनके अगेंस्ट तत्परता से कार्रवाई की जाए। अभी तक की जांच में टिम्बर माफिया के मजबूत गठजोड़ का खुलासा हुआ है, जिसमें माफिया के साथ नेताओं और विभागीय लोगों की भी मिली भगत है। हालात ये है कि अवैध कटान के इस मामले में 17 लोग नामजद हैं, लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ एक की हो पाई है। उसमें भी पैरवी इतनी लचर थी कि उसे हाथों हाथ जमानत भी मिल गई। टिहरी से सौरभ के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी उत्तराखंड की जनता का मन टटोलने निकली है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी अपने 2 दिन के कुमाऊं के दौरे पर हैं। इस दौरान वो पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर संगठन के हालातों की भी समीक्षा कर रहे हैं। इस बीच हल्द्वानी पहुंचे राजेंद्र चौधरी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि 2024 में बीजेपी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हारने जा रही हैं। उन्होंने दावा किया कि हरिद्वार और नैनीताल, उधम सिंह नगर में भी एसपी का एक अच्छा वोट बैंक है। उत्तराखंड में हम ये मानते हैं कि 500 के 500 सीट पर भाजपा हारने वाली है, और समाजवादी पार्टी का जो संगठन है या जो हमारा प्रभावी क्षेत्र हो सकते हैं वो नैनीताल लोकसभा और हरिद्वार लोकसभा हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के दोनों टॉप लीडर्स का इसी हफ्ते जन्मदिन है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में होड़ सी मची हुई है कि प्रदेश और देश के मुखिया के जन्मदिन पर उनकी तरफ से कोई कमी न रह जाए। सोलह सितंबर को सीएम पुष्कर सिंह धामी का 48वां जन्मदिन है।
तो 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी भी 73 साल के हो जाएंगे। ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ता जन्मदिन के जश्न के तौर पर मनाने जा रहे हैं। अगले 15 दिन बीजेपी हर विंग को जन्मदिन पर अलग प्रोग्राम का टास्क दिया गया है। संकल्प दौड़ से लेकर 5000 यूनिट ब्लड डोनेट करने का कार्यक्रम और मंदिरों में दीप और पूजा पाठ तक होने जा रहे हैं। बागेश्वर चुनाव की जीत का जश्न भी इसी दौरान होगा। 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस तक हम 15 दिन का सेवा पखवाड़े का कार्यक्रम मना रहे हैं। उससे पूर्व जैसा कि सभी को विदित है कि 16 सितंबर को प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिवस है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे कार्यक्रम तय किए। बीजेपी महिला मोर्चा ब्लॉक लेवल पर मंदिरों में 48 दिए जलाकर सुंदरकांड पाठ भजन कीर्तन करेगी। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों में जाकर फल और मिठाइयां बांटी जाएंगी। मंदिरों में उनके जन्मदिन पे 48 दिए जलाएंगे, भजन कीर्तन करेंगे महिला मोर्चा। जी बिल्कुल, हमारे सभी 19 जिलों में और 270 मंडलों में ये कार्यक्रम होंगे। पीएम और सीएम का जन्मदिन है तो उसमें भी कोई कमी किसी भी लेवल पर नहीं रखनी चाहिए और चुनावी साल में और ज्यादा जरूरी हो गए हैं, लिहाजा हर कार्यकर्ता को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने बद्रीनाथ धाम में दरार पड़ने की खबर का खंडन किया है और कहा है कि बद्रीनाथ धाम में कहीं भी कोई दरार नहीं पड़ी है, ये सिर्फ एक अफवाह है जिससे बद्रीनाथ धाम की यात्रा में फर्क पड़ सकता है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की माने तो बद्रीनाथ मंदिर के सेंधवार में कोई नई दरार नहीं देखी गई है और न ही बद्रीनाथ मंदिर क्षेत्र में भूधंस साफ हो रहा है। बीकेटीसी ने कहा कि एएसआई की तरफ से बद्रीनाथ मंदिर के सिंह द्वार में पहले से आई हल्की दरारों का मरम्मत का काम चल रहा है, वर्तमान में कोई दरार नहीं दिखी है। और जो दरार हैं उन पर ग्लास की टाइल्सें लगाई गई थी जिनसे कि आकलन किया जा सके कि इन दरारों में किसी प्रकार की हलचल है या उनकी चौड़ाई बड़ी है, तो ऐसा पाया नहीं गया। लेकिन उसके बावजूद जो दरारें थी उनका ट्रीटमेंट कार्य इस वर्ष अगस्त माह में पुरातत्व विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया और जो अभी जारी है, और वर्तमान में किसी प्रकार से कोई मंदिर को लेकर के या मंदिर परिसर को लेकर के किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। उत्तराखंड में अगले 4 दिन तेज बारिश का अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 6 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी करते हुए बारिश की संभावना जताई है। देहरादून, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ के कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। 15, 16 और 17 तारीख तक प्रदेश में कई इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। और चलिए एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। बीजेपी ने दावा किया है कि उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में 24,000 युवाओं को रोजगार दिया है, साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी काम किया। हरिद्वार के मुजफ्फरपुर मौजा गांव में खनन पर हाईकोर्ट सरकार समेत अन्य पक्षकारों को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वो 4 हफ्तों में अपना जवाब दाखिल करें। कनकपुर में अवैध खनन भंडारण को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। एसडीएम की मौजूदगी में खनन विभाग ने 4 खनन भंडारण पर छापेमार कार्रवाई की। कनकपुर में पुलिस ने चोरी की 2 बाइक के साथ 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। बाइक पर कार का नंबर लगाकर यूज कर रहे थे। रुद्रप्रयाग में मक्कुमठ क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने गई टीम का महिलाओं ने विरोध किया। महिलाएं जेसीबी मशीन पर चढ़ गई जिसके चलते प्रशासन की टीम बैरंग लौट गई। रुद्रप्रयाग के लिंचोली में गाजियाबाद से लापता एक युवक मिला है। परिजनों की डांट से नाराज युवक केदारनाथ की ओर आ रहा था। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की हरिद्वार इकाई का गठन होने पर व्यापारियों ने गंगा पूजन किया और नए पदाधिकारी को शुभकामनाएं दी। बागेश्वर में कांडा के वैसुड़ी गांव में दलित युवक की मौत के मामले में अब सियासत गरमाने लगी है। भीम आर्मी और आम्बेडकर चेतना मंच से जुड़े लोगों ने एक रैली निकाली। विकासनगर के उत्पालचा गांव के लोगों ने लंबे वक्त से पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं जिसके चलते ग्रामीणों ने दफ्तर का घेराव किया, निगम के दफ्तर का घेराव करने पहुंचे। राम नारायण मीणा ने नैनीताल जिले के नए एसएसपी का चार्ज ले लिया है। साथ ही हल्द्वानी, रामनगर, लालकुआ, नैनीताल में सिटी पुलिसिंग को मजबूत करने का टारगेट तय किया गया है।
कोटद्वार बेस अस्पताल के मेडिकल स्टाफ के सुस्त रवैये के चलते स्वास्थ्य सचिव ने स्टाफ को जमकर पीटा है, माफ कीजिएगा, जमकर फटकार यहां पर लगाई है और कोटद्वार और आसपास के इलाकों में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद स्वास्थ्य सचिव ने बेस अस्पताल का जायजा लिया, डेंगू के मरीजों से मुलाकात की और इलाज की व्यवस्था की भी जानकारी ली। उसके साथ जो सस्पेक्टेड डेंगू पेशेंट्स हैं उनके साथ मैंने इंटरेक्शन भी किया और ये जानने की कोशिश की कि ट्रीटमेंट वगैरह ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस को पहले अक्टूबर में पदयात्रा करनी थी, लेकिन अब पदयात्रा होगी या सीधे बूथ पर वोटर तक पहुंचा जाएगा, ये फैसला हैदराबाद में होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद होगा और तभी तय होगा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तराखंड कब आएंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने जहां बैठकें शुरू कर दी हैं, वहीं कांग्रेस को इंतजार हैदराबाद से मिलने वाले मैसेज का है। 17 और 18 सितंबर को हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है। बैठक में कोर एजेंडा लोकसभा चुनाव का रहेगा, तो इसी दौरान हाईकमान राज्यों के नेताओं को चुनावी तैयारी का संदेश भी देगा और तब तय होगा कि लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस कैसे अभियान शुरू करती है। पहले कांग्रेस की प्लानिंग अक्टूबर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को साथ लेकर पदयात्रा करने की थी, लेकिन अब पदयात्रा होगी या नहीं ये हैदराबाद से कांग्रेस के प्रोग्राम के बाद तय होगा। जैसा कि निर्देश 17-18 की मीटिंग में हमको दिया जाएगा, उस हिसाब से हम चलेंगे। यात्रा हो या ना हो ये उस बात पे भी डिपेंड करेगा कि चुनाव कब हो रहे हैं। अगर चुनाव दिसंबर के आसपास है तो मेरे ख्याल से हमको निर्देश यही मिलेंगे कि आप बूथ लेवल पे अपनी तैयारियों को दुरुस्त करें। पदयात्रा के पीछे कांग्रेस का प्लान भारत जोड़ो यात्रा की तरह जनता तक पहुंचने का था, लेकिन अब हैदराबाद की बैठक के बाद कांग्रेस सीधे बूथ पर काम शुरू कर सकती है। बागेश्वर में हार के बावजूद कांग्रेस को यकीन है कि अगर जनता को बात समझाने में कामयाब रहे तो लोकसभा चुनाव के नतीजे पक्ष में रहेंगे। साफ है कि लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश में कांग्रेस का क्या प्लान रहेगा, इसी से तय होगा कि उत्तराखंड में कांग्रेस किस रणनीति पर काम करेगी। तो ये नतीजे हमारे पक्ष में होते और ये आम चुनाव होता तो मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस जनों से कि वो जनता की समस्याओं को अपनी आवाज दें और उनको उठाएं, जनहित के मुद्दों को। और जिस तरह और यही समझने उत्तराखंड कांग्रेस के सीनियर नेता 15 सितंबर से हैदराबाद पहुंचना शुरू हो जाएंगे। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। बागेश्वर में एक आपदा भूकंप मॉकड्रिल की गई और इसमें लोगों को जब भी आपदा आती है तो कैसे प्रतिक्रिया करनी है इसके बारे में बताया गया, स्थानीय लोगों को भी जागरूक किया गया। डीएम और जिला आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। घटनास्थल के लिए 2 जेसीबी और एक एम्बुलेंस, फायर सर्विस की गाड़ी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा मित्र की टीमों को भी मौके पर बुलाया गया, बचाव कार्य भी किया गया, सभी टीमों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नगर निगम रुड़की अब अलर्ट मूड में नजर आ रही है। वहीं निगम को 4 जोन में बांटा गया है और हर जोन में एक इंचार्ज नियुक्त किया गया है, साथ ही वार्डो में स्प्रे फॉगिंग भी किया जा रहा है। शहर में लार्वा को लेकर भी अभियान चलाया गया जिसमें लार्वा मिलने पर चालान भी किया गया है, वहीं लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है ताकि डेंगू से लोगों को बचाया जा सके। डेंगू को लेकर नगर निगम का अभियान जारी रहेगा। निगम को 4 जोन में बांटकर हर जोन में एक इंचार्ज नियुक्त किया गया जो हमारा SI है और हर जोन में टैंकर और हर वार्ड में पेटी स्प्रे फॉगिंग मशीन इसकी व्यवस्था की गई है। टिहरी में टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप खेल का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने किया। इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया और यहां पर कैनोइंग की प्रतियोगिता में भी 450 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ये प्रतियोगिता आज से 17 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। उत्तराखंड में एक ऐसी आदिम जनजाति रहती है जिसका वजूद धीरे धीरे खत्म हो रहा है। राजी जनजाति दुनिया की उन जनजातियों में शुमार है जिसकी संख्या लगातार घट रही है। इस आदिम जनजाति की कम हो रही औसत आयु को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है।
पिथौरागढ़, चंपावत और ऊधमसिंह नगर के कुछ इलाकों में आदिम राजी जनजाति सदियों से रहती, लेकिन आज ये जनजाति खुद को बचाने की जद्दोजहद कर रही है। हालात ये हो गए हैं कि उत्तराखंड में अब राजी जनजाति के सिर्फ 249 परिवार ही बचे हैं। बात अगर संख्या की करें तो तीनों जिलों में इस जनजाति के सिर्फ 1075 लोग जिंदा हैं। भयंकर गरीबी और पिछड़ेपन के कारण इस जनजाति के ज्यादातर लोग समय से पहले ही दुनिया को अलविदा कहने को मजबूर। राजी जनजाति की औसत उम्र 55 साल से भी कम आकी गई है। यही वजह है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट को भी इस मामले का संज्ञान लेना पड़ा। सुविधाओं की कमी और कठिन जीवन शैली इस जनजाति की सबसे बड़े दुश्मन है। चलने के लिए रास्ता नहीं है, बूढ़े लोग चल नहीं पाते हैं, वो बोरा का वो बनाते हैं, जोंगा बनाते हैं, उसमें ले जाते हैं और क्या कहते हैं, तो जैसे पीने के लिए पानी नहीं है हमारे पास, वो गधे छोटा इतना बड़ा खोटा बना रखा है, वो खोटा से पीते हैं पानी। अगर इनको थोड़ा बहुत बीमारी हुई तो इनको धारचूला जाना है या पिथौरागढ़ आना है, उसके लिए इनके पास पैसा नहीं होता है, क्योंकि या तो गाड़ी बुक करोगे या वो करोगे, उसको यहाँ आने तक वो यहाँ आने में कष्ट जैसा लगता है, पैसा नहीं है करके, तो इसलिए भी ये बीमारी से भी इनकी मृत्यु ज्यादा होती है। एक दौर में राजी जनजाति को अदृश्य व्यापारी भी कहा जाता था। लकड़ी का काम करने वाली ये जाति रात के अंधेरे में लोगों के घरों में लकड़ी के बर्तन रखती थी, जिसके बदले इन्हें राशन मिलता था। लेकिन बदलते दौर के साथ इनकी जीवन शैली भी बदल गई। नतीजा ये हुआ कि इस जाति के पुरुष नशे के शिकार हो गए, जबकि महिलाएं इलाज के अभाव में दम तोड़ रही हैं। सिर्फ 1075 राजी जनजाति से उत्तराखंड की पहली और दूसरी विधानसभा में गगन रजवार के रूप में MLA भी मिला। बावजूद इसके राजी जनजात की जिंदगी में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया, क्योंकि हम सारी योजनाओं का लाभ उन लोग को दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई छूट जा रहा है। इस वजह से हम लोग पूरा सर्वे करा रहे हैं, जिसमें पूरे परिवारों के जितने भी लोग हैं उनके कौन से कार्ड बने हैं, कौन कौन से कार्ड नहीं बने हैं, किस किस योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ है या नहीं प्राप्त हुआ है, इसका हम व्यापक सर्वे करा रहे हैं और काफी हद तक वो सर्वे कम्प्लीट भी हो गया है। उस हिसाब से हम लोग पिन पॉइंटेड कर लेंगे। राजी को दुनिया की सबसे दुर्लभ जनजातियों में भले ही शुमार किया गया हो, लेकिन इसे बचाने की कोशिश फिलहाल कहीं पर होती हुई नहीं दिखाई देती। ऐसे में अगर राजी को यूं ही इनके हाल पर छोड़ दिया गया तो तय है कि आदिम जाति इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगी। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेति की रिपोर्ट। और यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।